कान्हा कृष्णा की किचन में आप सबका स्वागत है। सबको राधे राधे। पराठे तो आपने खूब खाए होंगे। सब्जियों से भरपूर रेसिपी वेजिटेबल पराठों की रेसिपी लेके आए हैं जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। बच्चे सब्जियां खाना कम पसंद करते हैं, लेकिन आप इस तरीके से खूब सारी सब्जियां डालकर बच्चों को पराठे दे सकते हैं। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। वेजिटेबल पराठे बनाने के लिए हमने यहाँ पे पनीर लिया है, एक छोटा फूल हमने यहाँ पे फूल गोभी का लिया है, साथ में हमने यहाँ पे 6 हरी मिर्च ली है, एक हमने गाजर लिया है, एक हमने खीरा लिया है और एक हमने लिया है शिमला मिर्च। सब्जियाँ आप अपने मन पसंद अनुसार ले सकते हैं। थोड़ा सा हमने हरा धनिया लिया है। आप यहाँ पे प्याज भी ले सकते हैं, हम बिना प्याज के बना रहे हैं, लेकिन आप चाहें तो यहाँ पे प्याज का इस्तेमाल कर सकते हैं। सारी सब्जियों को हमने अच्छे से धो के और कद्दूकस कर लिया है और साथ में हमने यहाँ पे 3 आलू लिया है। आलू को हमने उबाल के छील लिया है। सबसे पहले हम आलू को मेस कर लेते हैं। आलू को हमने मेस कर लिया है। अब सारी सब्जियाँ हम एक अलग थाली में डाल लेते हैं। सब्जियों को हमने अलग थाली के अंदर डाल लिया है। सब्जियों के अंदर हम डाल देते हैं मसाले। मसाले में हम डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। 1 छोटा चम्मच हम डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 छोटा चम्मच हम डाल देंगे हींग, 1/2 छोटा चम्मच हम डाल देंगे गरम मसाला पाउडर और 1 छोटा चम्मच हम डाल देंगे अमचूर पाउडर। आप अमचूर पाउडर की जगह चाट मसाले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/2 छोटा चम्मच हम डालेंगे अजवाइन। अजवाइन को हम हाथ की सहायता से क्रश करके डालेंगे और मसाले को हम अच्छे से मिला लेंगे। मसाले आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। मसाले को हमने अच्छे से मिला दिया है। पराठे बनाने के लिए आटा हमने 1/2 घंटा पहले लगा के रख दिया था और ये देखिए आटा हमें इतना सॉफ्ट लगाना है, टाइट आटा बिल्कुल भी नहीं लगाना है। जितना आप सॉफ्ट आटा लगाएंगे पराठे आपके उतने ही अच्छे बन के तैयार होंगे। पराठा बनाने के लिए हमने लोई बना लिया। लोई पे हम थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे। और लोई को हम बेल के तैयार कर लेते हैं। इस तरीके से हम लोई को बेल लेंगे। लोई के अंदर हम भर देंगे मसाला। पराठे आप गोल चौकोर कैसे भी बना सकते हैं। मसाला हमने भर दिया है। अब यहाँ पे हम पराठे को फोल्ड कर देते हैं। हम यहाँ पे चौकोर पराठा बना रहे हैं। इस तरीके से हम चारों तरफ से पराठे को बंद कर देंगे और अंगुलियों की सहायता से अच्छे से हम दबाते हुए पराठे को फैला देंगे ताकि मसाला चारों कोनों में अच्छे से चला जाए। और फिर से हम हल्का सा सूखा आटा लगा के पराठे को बेल के तैयार कर लेते हैं। हल्के हाथों से हम बेल के तैयार करेंगे। पराठे को हमने बेल के तैयार कर लिया है। पराठे को हम सेक लेते हैं। पराठे बनाने के लिए तवा हमने पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया है और गर्म तवे पे हम डाल देंगे पराठा और मीडियम गैस पे हम सेक के तैयार करेंगे। जब तक हमारा पराठा सिक रहा है तब तक हम दूसरा पराठा देख लेते हैं। फिर से हम हल्का सा पराठे को बेल लेंगे और पराठे के अंदर हम फिर से मसाला भर देंगे। अच्छे से पराठे को बंद कर देंगे। अंगुलियों की सहायता से हम हल्का सा पराठे को फैला देंगे। थोड़ा सा सूखा आटा लगा के पराठे को हम बेल के तैयार कर लेते हैं।
और ये देखिए दूसरे परांठे को भी हमने बेल के तैयार कर लिया है। इधर हमारा पहला परांठा भी सिक चुका है, इसको हम पलट देते हैं। पराठे के ऊपर हम लगा देंगे घी, घी तेल बटर जिसमें भी आप पराठे बनाना चाहें वो पराठे के ऊपर लगा दें। दूसरी साइड में भी हम पलट के पराठे के ऊपर लगा देंगे घी और चम्मच की सहायता से अच्छे से हम चारों तरफ से दबाते हुए पराठे को हम सेक लेंगे। और ये देखिए पराठा हमारा एकदम अच्छे से फूल चुका है। मीडियम गैस पे हम सेकेंगे पराठे को, दोनों तरफ से अलट पलट के अच्छे से करारा होने तक सेक लेते हैं। और ये लीजिए हमारा पराठा सिक के तैयार हो चुका है। पराठे को हम निकाल लेते हैं और दूसरे पराठे को भी हम ऐसे ही सेक के तैयार कर लेते हैं। पराठे को हम पलट देते हैं और ऊपर हम लगा देंगे फिर से हल्का हल्का घी और दूसरी साइड में भी हम पलट के घी लगा देंगे और अच्छे से दबाते हुए परांठे को सेक के तैयार कर लेंगे। और ये दूसरा परांठा भी हमारा सिक के तैयार हो चुका है। सारे परांठे हम ऐसे ही बना के तैयार कर लेते हैं। और ये लीजिए गर्मा गर्म वेजिटेबल पराठे बनके तैयार हैं। आप इनको चटनी के साथ, दही के साथ या फिर चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं। खाने में बेहद ही स्वादिष्ट होते हैं। आप इन पराठों को सुबह नाश्ते में या फिर बच्चों को टिफिन में बना के दे सकते हैं। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। और ये देखिए मसाला पराठों के अंदर तक एकदम अच्छे से चारों तरफ भरा हुआ है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं। तो आप इस तरीके से बच्चों को भरपूर सब्जियाँ खिला सकते हैं। तो आप हमारे वेजिटेबल इन पराठों की रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना, आपको पसंद आएंगे। और साथ में हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। राधे राधे।